स्वागत है दोस्तों आप सभी का रजा इंटीरियर की एक और नई और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे होम इंटीरियर एक्सटीरियर के काम में यूज़ होने वाले सबसे मेन प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है दोस्तों ड्रिल टूल किट। आप में से हमारे काफ़ी सारे भाइयों ने, काफ़ी सारे कारपेंटर भाइयों ने और जो होम इंटीरियर एक्सटीरियर के डेकोरेशन का काम करते हैं, सभी ने कॉमेंट किया है कि हम किस कंपनी के टूल्स यूज़ करें जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले और काम भी हमारा जल्दी से और अच्छे तरीके से होता रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए दोस्तों दो ड्रिल टूल किट लेकर के आया हूं, जो कि आती हैं एशियन पेंट्स की ओर से। और हमारा काम, आप सभी को जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारा काम बढ़ रहा है, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ वगैरह हम या इसके अलग भी और स्टेट्स कवर कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी जो है वो बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैंने दो ड्रिल टूल किट जो है दोस्तों ऑर्डर करी थी, ये आई हैं एशियन पेंट्स की ओर से और ट्रू केयर के नाम से आती हैं इम्पैक्ट ड्रिल टूल किट 10 mm, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो दूसरी हमारी किट है वो है दोस्तों हमारी 13 mm। दोनों को जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और इनका मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, क्या क्या एसेसरीज इस टूल किट में आपको दोस्तों मिलती हैं और इसका प्रॉपर यूज़ भी आपको दिखाऊंगा, मशीनरी किस तरह से जो है वो दोस्तों काम करती है। देखिए दोस्तों, अमेजोन की पैकेजिंग के आउट ऑफ द बॉक्स हमें दोनों ही ड्रिल मशीन कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर हम 10 mm बारी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए रैपर हटाने के बाद में पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रू केयर इम्पैक्ट ड्रिल टूल की 10 mm। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आप यहाँ पर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पावर रेट इसका कितना है, नो लोड स्पीड कितनी है, इस पे इम्पैक्ट फ्रिक्वेंसी, ड्रिल कैपेसिटी और कितने mm तक का होल जो हो कर सकती है, 2 मीटर का केबल भी साथ में आपको दोस्तों मिलता है। और यहाँ पर जो इसकी MRP मेंशन करी गई है दोस्तों 4,999 रुपये है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी ये अमेजोन पर सेल हो रही है बहुत कम प्राइस में सेल हो रही है। फिर यहाँ पर आपको कुछ जो अंदर आपको टूल्स मिलते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और कितने पीसेज में मिलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हुई हैं। उसके बाद हम इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स पर कुछ इस तरह से आपको एशियन पेंट्स लिखा मिल जाता है और कंप्लीट कुछ पैकेजिंग अंदर इसकी इस तरह सी है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले हमें मिलती है एक यूज़र मैनुअल, इसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाती है मेन ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन के यहाँ पर आप पूरी कैपेसिटी वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है दोस्तों दिखा दी थी। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको मिल जाता है दोस्तों लेफ्ट राइट बटन, और उसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों मिलता है एक स्विच, ये ऑन ऑफ स्विच है, इसके अंदर ही आपको स्पीड का स्विच मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों लॉकिंग सिस्टम, इस स्विच को आप इस तरह से दबाएंगे और लॉक कर देंगे तो ये आपका रेगुलर स्पीड में बना रहेगा, फिर इसको रिलीज़ कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एशियन पेंट्स की ब्रांडिंग दी गई है, मोटर वगैरह सारी कुछ यहाँ पर फिट हैं। और उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल ड्रिलिंग और हैमर ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है। और उसके बाद में चक आप देख सकते हैं 10 mm तक का ये चक आपको दिख रहा है, और चक को खोलने या बंद करने के लिए यहाँ पर आपको की भी जो है दोस्तों मिल जाती है, साथ में दो से तीन मीटर का केबल भी आपको दोस्तों मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का केबल है। उसके बाद में यहाँ पर अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा ये है दोस्तों डेप्थ गेज भी आपको साथ में मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है साइड हैंडल भी लगा करके आप जो है अपना हैमरिंग का काम कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लायर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है एक और टूल जो कि है दोस्तों हमारा किलो हैमर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की किलो हैमर है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हैंडल भी इसका दोस्तों काफ़ी मजबूत है। और इसके बाद में दोस्तों इस साइड में आपको मिलता है एक रिंच दोस्तों 20 mm तक का रिंच आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है। रिंच की क्वालिटी भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में इस साइड में आपको दोस्तों बॉक्स में मिल जाती है 10 आपको स्टार बिट और माइनस वाली बिट मिल जाती हैं, एक बिट इसमें आपको स्पेशल मिलती है, इसका यूज़ मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। नेक्स्ट साइड हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टूल हमारे पास में है स्क्रू ड्राइवर, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है, इस तरह से आप इसको इसमें माउंट करेंगे और जो ये 10 बिट वाली आपको बॉक्स दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 mm से लेकर के 13 mm तक की आपको बिट मिल जाती है। और इसमें आप इसको कुछ इस तरह से लगा करके इसको नट वगैरह जो है अपने खोल या बंद कर सकते हैं, तो ये आपको दिया गया है। साथ में दोस्तों आपको इस टूल किट में दो आपको दोस्तों स्क्रू ड्राइवर मिल जाते हैं प्लस माइनस वाले, एक आपका स्टार वाला है एक माइनस वाला है।
उसके बाद में आपको दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी का लेवल भी इसमें मिल जाता है। लेवल की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी ठीक अच्छी प्लास्टिक दोस्तों यहाँ पर यूज़ करी गई है, लाइट वेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन अलग अलग तरह के आपको बिट मिल जाते हैं, तीन बिट ये यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोस्तों आयरन या स्टील में होल करने के लिए, और तीन बिट मिल जाते हैं दोस्तों आपको वुडन वर्क के लिए, लकड़ी का काम करने के लिए तीन बिट अलग से यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तीन बिट आपको मिल जाते हैं दोस्तों आपका दीवार में छेद करने के, दीवार में होल करने के लिए आपको तीन बिट अलग से जो हो दोस्तों मिल जाते हैं। तो एक पूरा पैकेज दोस्तों बहुत अच्छा पैकेज बना हुआ है इस टूल किट में, और 60 आपको दोस्तों हार्डवेयर के 60 पीसेस आपको हार्डवेयर के दोस्तों यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाती है दोस्तों एक पेपर कटर, पेपर कटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। हमने पेपर कटर आज से पहले बहुत सारे यूज़ करे हैं, लेकिन एशियन पेंट्स की तरफ से जो पेपर कटर आता है दोस्तों काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा पेपर कटर है। तो ये तो हो गई दोस्तों 10 mm किट वाली हमारी पूरी अनबॉक्सिंग, और ये कुछ इतना पूरा सामान इसमें आपको दोस्तों मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी 13 mm वाली किट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स की ओर से आने वाली ट्रूकेयर इंपैक्ट ड्रिल टूल किट 13 mm। आउट ऑफ द बॉक्स इसको मैं देख लेते हैं क्या क्या जो इक्विपमेंट्स आपको मिल जाते हैं, सारी स्पेसिफिकेशन पीछे लिखी हुई है आप चेकआउट कर सकते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसके सारे इक्विपमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, प्राइस वगैरह यहाँ पर मैंशन करे गए हैं आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से एशियन पेंट की आपको ब्रांडिंग मिलती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है जैसे मैंने आपको 10 mm वाली किट में दिखाया था, और सारे जो इक्विपमेंट हैं दोस्तों सेम एज़ यहाँ पर हमारी मेन मशीन है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको सेम स्क्रू ड्राइवर मिलता है, प्लायर्स मिलता है, और एक आपको दोस्तों मिल जाती है किलो हैमर, और दूसरा आपको डेप्थ गेज भी साथ में मिलता है, और नेक्स्ट हमारा एक टेपर इंच मिलता है आपको 6 इंच का, और उसके बाद में एक 3 मीटर का आपको इंच टेप मिलता है, इंच टेप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये आप चेक कर सकते हैं। और फिर से हमारे पास 60 पीसेज वाला हार्डवेयर का बॉक्स मिल जाता है, और एक 10 बिट वाली हमारे पास में 5 mm से लेकर के 13 mm तक की बिट हमें यहाँ पर नट बोल्ट वाली जो दोस्तों मिल जाती हैं। और ये है दोस्तों हमारे पास में एक और ड्रिल के लिए साइड हैंडल, और यहाँ पर 10 से 11 आपको दोस्तों बिट मिल जाती हैं आयरन वगैरह के लिए, या आपकी दीवार वगैरह में छेद करने के लिए, कंक्रीट वगैरह में छेद करने के लिए, ये होल करने के लिए ये आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, कई सारी बिट जो है दी हुई हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको एशियन पेंट्स की ओर से आने वाली ट्रू केयर इंपैक्ट ड्रिल टूल किट 10 mm और 13 mm की अनबॉक्सिंग जो है दोस्तों दिखा दी है, इनके यूसेज भी आपको दोस्तों लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम टेस्टिंग करेंगे 10 mm वाली हमारी ड्रिल मशीन की। तो पहली टेस्टिंग हमारी होगी वॉल पर होल करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिट का हम इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो दोस्तों दिखाई थी, और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसको प्लग करना है, प्रॉपर तरीके से इसको आप टाइट कर लेंगे। जब आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से करनी है, और जब आप हैमरिंग करनी है तो कुछ इस तरह से आपको प्लग को कर लेना है। अब देखिए हम हैमरिंग करने जा रहे हैं, हैमरिंग करने के लिए दोस्तों जो एक्सपीरियंस है वो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पर भी अपना हाथ रख करके, लेकिन हमें साइड हैंडल का जैसे यूज़ करना है तो साइड हैंडल लगा करके भी आप जो है वो हैमरिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, और होल देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ये हैमरिंग जो है दोस्तों कर रही है। एशियन पेंट के दो प्रोडक्ट और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें हमारे पास में एक है ये ट्रू केयर DIY पेंट स्प्रेयर, और दूसरी है हमारा दोस्तों हाई प्रेशर वॉशर, जो कि बाइक वगैरह या कार वगैरह धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में देखिए पेंट स्प्रेयर का हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं अनबॉक्स करूँगा प्रेशर वॉशर को और इसका यूसेज भी आपको दिखाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले प्रेशर वॉशर को अनबॉक्स कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है यूज़र मैनुअल, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पर आपको फिट करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हमें मिलता है सबसे पहले एक होज पाइप,
इस इनलेट पाइप की दोस्तों लंबाई है 3 मीटर की, इसकी लंबाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 3 मीटर लंबा पाइप है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है एक 8 मीटर लंबा आउटलेट होज, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आउटलेट होज है ये मिल जाती है एक दूसरे आपको गन, और दूसरा एक मिल जाता है आपको एक्सटेंशन रॉड, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गन की एक्सटेंशन रॉड है। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ फिल्टर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी माउंट करके आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में हमें एक मिलता है दोस्तों ये शैम्पू वगैरह करने के लिए, ये एक जार मिलता है, इसको भी पूरा माउंट करके आपको दिखाऊंगा। और मेन हमारी आ जाती है अब दोस्तों यहाँ पर एशियन पेंट्स की ओर से आने वाली ट्रू केयर हाई प्रेशर वॉशर, 1800 वोट में 120 बार इसका प्रेशर है, और जो इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है वो सारी यहाँ पर मेंशन करी गई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो इक्विपमेंट आपको मिलते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर दी गई हैं। जैसे इसकी जो पावर है वो 1800 वोट की है, फ्लो रेट इसका 7 लीटर पर मिनट है, और प्रेशर इसका 120 बार का है, और वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी इसकी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। तो ये तो हो गया बॉक्स कॉन्टेंट, और बॉक्स में जो आपको सामान मिलता है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसको माउंट कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गन में जो हमारा स्प्रे गन का एक्सटेंशन रॉड है उसको लगाएंगे। एक्सटेंशन रॉड के हिस्से कुछ इस तरह से गन में जो माउंट हमारा किया हुआ कनेक्टर था उसको आगे लगाएंगे, और यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे आउटलेट हमारा होज, और आउटलेट होज एक तरफ इस तरह से लगा देंगे कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा आउटलेट होज का दूसरा हिस्सा हम जो हमारा ऑन ऑफ वाला बटन है उस साइड लगाएंगे मशीनरी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालॉग मीटर भी यहाँ पर दिया गया है। अब हमारा जो फिल्टर लगेगा वो इनलेट पाइप के लिए फ़िल्टर हम लगा रहे हैं मशीन में, और इस तरह से कुछ कनेक्टर लगेगा, इनलेट पाइप का कनेक्टर हम यहाँ पर लगा रहे हैं, और इस तरह से आपको इनलेट पाइप का कनेक्टर लगाने के बाद में और इसको माउंट कर देना है फ़िल्टर के साथ में। देखिए इस तरह से कुछ माउंट कर देना है, तो ये पूरी प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पर प्रेशर वॉशर में हमारे जो सारे इक्विपमेंट लगने थे वो हमने लगा दिए हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोजली। देखिए ये है हमारा इनलेट पाइप का कनेक्टर, और ये है हमारा फिल्टर, और इनलेट पाइप का दूसरा सिरा आपको बकेट में यानी बाल्टी में दोस्तों डाल लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको पहले आउट दोस्तों जो हमारा आउटलेट है, आउटलेट पाइप जो है उसको लगाने से पहले यहाँ पर हमें इसकी एयर जो है वो निकाल लेनी है, प्रॉपर एयर हम निकाल लेंगे। तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए मैं स्विच ऑन करता हूँ, तो स्विच ऑन करने के बाद में कुछ इस तरह से प्रॉपर एयर इसकी देखिए निकल रही है, प्रॉपर एयर निकल के जब ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपका चलना शुरू हो जाए तो तब आपको आउटलेट पाइप जो है दोस्तों लगाना है। देखिए हम इसको बंद करते हैं और आउटलेट पाइप भी लगा लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए काफ़ी काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने कार वगैरह को वॉश करने के लिए या बाइक वगैरह को वॉश करने के लिए प्रेशर वॉशर का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में प्रेशर वॉशर का, हम यूज़ करेंगे अपने होम एक्सटीरियर को साफ करने के लिए। तो देखिए अभी हमारे होम एक्सटीरियर की जो हालत है वो कितनी गंदी जो हुई है, अब ये धूल वगैरह आने से या आपकी बारिश वगैरह के गंदा पानी से हमारा जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसके लिए हम अपना होम एक्सटीरियर को प्रेशर वॉशर की मदद से साफ करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है दोस्तों ट्रू केयर एशियन पेंट्स की ओर से आने वाला DIY पेंट स्प्रेयर, जो कि हमारा 550 वाट का है। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके जो की फीचर्स है वो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, आप देख सकते हैं जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है दोस्तों वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बॉक्स को जैसे ओपन करते हैं ये मिलता है आपको एक मेजरमेंट कप, इससे आप लिक्विड जो है लिक्विड की टेस्टिंग कर सकते हैं। और फिर मिलती है आपको मेन हमारी स्प्रे गन, और यहाँ पर आपको कुछ यूज़र मैनुअल और कुछ इसके जो एसेसरीज़ हैं वो मिल जाती हैं, और जो एसेसरीज़ वगैरह हैं
यहाँ पर आपको दोस्तों एक दो पेपर आपको साथ में मिल जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं लिक्विड टेस्टिंग के लिए, और एक यहाँ पर आपको ब्रश मिल जाता है ये नोज़ल वगैरह साफ़ करने के लिए, इसमें पेंट वगैरह भर जाता है तो इसके लिए आपको यहाँ दिया गया है। दो नोज़ल आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं और एक नोज़ल पिन मिल जाती है नोज़ल का आगे का जो होल है उसको साफ़ करने के लिए। दूसरी हमारा यहाँ पर दोस्तों आप आ जाती है मेन मशीन। मशीन दोस्तों दो पार्ट में ही डिवाइडेड होती है, यहाँ पर एक लॉकिंग सिस्टम है, इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पीछे वाले पार्ट में यहाँ पर मोटर वगैरह सारी यहाँ पर फिट हैं, और एशियन पेंट्स की ब्रांडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो ट्रिगर है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसके ट्रिगर में आपको जो स्पीड वगैरह का बटन है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। केबल जो है वो दोस्तों इसकी दो से तीन मीटर की एक लंबी केबल है, काफ़ी अच्छी केबल है, अच्छी क्वालिटी की। और अब इस तरह से आप इसको यहाँ पर दोबारा से प्रेस करके और लगा देंगे, और फिर ये जो आप ट्रिगर बटन देख रहे हैं दोस्तों इसको कुछ इस तरह से आप यूज़ करेंगे। और कंटेनर आपको दोस्तों साथ में मिल जाता है 800 ml का, 800 ml तक का लिक्विड यहाँ पर आप जो है दोस्तों भर सकते हैं पेंट अपना। और आगे कुछ इस तरह से आप नोज़ल वगैरह को खोलने के लिए, साफ़ करने के लिए कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा नोज़ल भी जो दोस्तों लगा सकते हैं, और स्प्रे को तेज़ ज़्यादा करने के लिए आप कुछ इस तरह से इसको जो है वो घुमा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आप घुमा सकते हैं, और ये है हमारी दोस्तों कंप्लीट अनबॉक्सिंग पेंट स्प्रे की। अब इसका यूसेज भी दोस्तों देख लेते हैं। हमारी मशीन पूरी तरीके से रेडी है, इसका यूसेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने वाटर भरा हुआ है, आप इसमें जो है वो पेंट के लिए है क्योंकि मशीन, तो अभी मैं एज टेस्टिंग मैं आपको जो है वो पानी से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ट्रिगर मिलता है, ये बटन है ट्रिगर बटन, और इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो अभी हमने ये जो नोज़ल है अपनी इसको हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जो है दोस्तों किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी आवाज़ वगैरह, इसकी वॉइस वगैरह सारी कुछ सुन सकते हैं। और यहाँ पर इस वॉल पर हम जो है वो इसको स्प्रे करने वाले हैं। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से पूरा स्प्रे जो हुआ हो रहा है दोस्तों, कहीं भी बाहर की तरफ जो है वो स्प्रे नहीं फैल रहा है। और इसको आप दोस्तों, ये हमारा हॉरिजॉन्टली था, अगर इसको वर्टिकल आपको करना है तो कुछ इस तरह से नोज़ल को घुमाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे, और फिर इसको जो है यहाँ से ये इसका टाइट कर देंगे, और फिर अब जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल लाइन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं।